हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव सह आचार्य विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं चर्चा करने के लिए डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पर। जैसा कि आप जानते हैं, आरंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार जी हैं। डॉक्टर पंकज कुमार जी सहायक आचार्य हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में, जो कि आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, ये बताइए डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन क्या है और इसमें डकार क्या है? जिस प्रकार नाम से ही स्पष्ट है कि यह डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जो इसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर रिलीज की गई, उस डॉक्यूमेंट का नाम ही यही था, द डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, एजुकेशन फॉर ऑल एंड मीटिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट्स। मतलब एक सामूहिक प्रतिबद्धता को वहाँ पर दर्शाया गया, पूरे विश्व के लिए एक मंच सजा था जहाँ पर एक सामूहिक प्रतिबद्धता दिखाई गई कि किस प्रकार जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें सार्वभौमिकरण को स्थापित किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि इस फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब बिल्कुल बहुत सटीक प्रश्न है कि इस प्रकार ये क्यों पड़ी। इसके लिए हमें 1990 में एक जॉमटीन थाईलैंड में एक सम्मेलन हुआ था उसकी तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि इस जो प्रतिबद्धता हमने यहाँ पर दर्शाई वो सभी यूई के लिए थी। और वही इसमें फिर से जो जॉमटीन थाईलैंड में जो हम लोगों ने पहले से पूरे विश्व ने एक घोषणा पत्र जारी की थी, उसको उनकी पुनः प्राप्ति के लिए एक लोगों ने कमिटमेंट वहाँ दर्शाया। तो अगर हम बात करें कि अगर उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं कि थाईलैंड में जो वर्ल्ड डिक्लेरेशन जो सम्मेलन हुआ था, जहाँ घोषणा पत्र है बेसिकली जारी किया गया था, वो 5 से 9 मार्च 1990 को जारी किया गया था। 1990 में जब उस समय की स्थिति देखेंगे तो करीब 100 मिलियन बच्चे शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं बनी थी, प्रारंभिक शिक्षा तक, और उनमें 60 मिलियन बच्चे जो हैं वो महिलाएं थी, मतलब लड़कियां थीं, बच्चियां, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। अब यह एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसको दूर करने के लिए जॉमटीन में प्रयास किया गया, घोषणा पत्र जारी किया गया कि सभी तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित होनी चाहिए। इसलिए जब वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल नाम भी दिया गया और वहाँ एक शब्द भी स्थापित किया, मीटिंग बेसिक लर्निंग नीड्स, यानी कि सभी बच्चों, युवाओं और वयस्कों को शिक्षा देने का एक घोषणा वहाँ पे सब एक बड़े मंच पर विश्व समुदाय के सामने की गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर आकर के बात करें कि जो डकार की जो घोषणा पत्र आए, तो उस समय तक भी हम लोगों ने जॉमटीन के जो घोषणा पत्र थे उसमें पूर्ति नहीं हो पाई थी। इसलिए इस जो डकार सम्मेलन थी इसकी आवश्यकता पड़ी और यहाँ पर एक समेकित रूप में बहुत सारे लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, किस प्रकार हम लक्ष्य निर्धारित करें और 2015 तक पूरी तरह से यूईई यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश कर लेने की का एक लक्ष्य रखा गया। उसके लिए और ऑब्जेक्टिव्स तय किया दिए गए कि हाँ कौन सा गोल कितने तक तय कर लिया जाएंगे। जी, तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया डॉक्टर साहब कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि शिक्षा की सार्वभौमिकता हेतु जो डकार का फ्रेमवर्क था, फ्रेमवर्क एक्शन है, उसके कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए जिससे शिक्षा का सार्वभौमिकरण को प्राप्त किया कर सकें? उसमें जो कुल 6 लक्ष्य निर्धारित किए गए, 6 लक्ष्यों में जो सबसे पहला लक्ष्य था वह व्यापक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा के विस्तार और सुधार की बात करता है, जो ECC जिसे हम नाम से जानते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उस पर बहुत फोकस किया गया, पहला गोल ही उस पर निर्धारित था। और उसमें भी जो विशेष रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए ECC सुनिश्चित किया जा सके, यह एक लक्ष्य रखा गया। और यहाँ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो मूलतः इसके डकार फ्रेमवर्क का जो लक्ष्य था वो व्यापकता में जो चीज़ों को देख रहा है वो 2015 तक देख रहा था कि हाँ भाई 2015 तक UAE को इस्टेब्लिश करना है, हम शिक्षा में सार्वभौमिकरण को स्थापित कर लेंगे। जिस प्रकार आप हम लोग अगर देखें तो ECC में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं,
जैसे हेल्थ है, हाइजीन है, न्यूट्रिशन है, इन सभी पक्षों को भी जोड़ कर देखा गया कि भाई इसी इसी किस प्रकार से स्टैब्लिश किया जा सके। यदि हम दूसरे लक्ष्य की बात करें कि 2015 तक सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो जाए, ये एक सबसे बड़ा लक्ष्य है जो मूल लक्ष्य के सबसे इर्द गिर्द घूमता है, और यह जिसमें यूई एक बड़ा रोल हम कहते हैं कि भाई प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा का बहुत बड़ा जो भाग है वो प्राथमिक शिक्षा ही, जब प्राथमिक शिक्षा ही नहीं होगी तो फिर हम उच्चतर प्राथमिक की बात क्या करेंगे। तो यह सुनिश्चित किया गया वहाँ पर कि एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया, जो मैंने बात की कि बार बार वहाँ पर बात आई थी कि ये एक कमिटमेंट था, तो कमिटमेंट किया गया कि 2015 तक, वर्ष 2015 तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुलभ होगी सभी के लिए, वो भी गुणवत्तापूर्ण। इसमें भी एक पक्ष रखा गया कि जो मुश्किल परिस्थिति में बच्चे रह रहे हैं या जो विशेष रूप से पिछड़े हैं, लड़कियां हैं, इनकी एजुकेशन पर भी फोकस किया जाएगा। यहीं पर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की भी जो बात आती है, दिव्यांगजन जो हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनकी शिक्षा को भी यहाँ पर फोकस किया गया कि उनके लिए भी जो प्राथमिक शिक्षा है कोई भिन्न, जैसा कि शिक्षा को अलग अलग रूप से हम देख ही नहीं सकते, शिक्षा तो शिक्षा है, उनके लिए आवश्यकता है। तो जो विकलांग बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा की भी वकालत इसमें पुरजोर ढंग से की गई, और 2015 तक का ही लक्ष्य रखा गया कि हर प्रकार के बच्चा, चाहे वो किसी प्रकार को, किसी प्रकार का वंचित हो, या उनके लिए अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा को सुलभ किया जा सके, जो कि गुणवत्तापूर्ण भी, जो कि गुणवत्तापूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है, ऐसे तो अगर कहें तो गुणवत्ता तो शिक्षा में अपने आप समाहित होती है, अगर फिर भी कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी लोग बहस कर रहे हैं, वरना तो गुणवत्ता तो शिक्षा का एक कंपलसरी कंपोनेंट होता है। तो आपके हिसाब से दूसरा जो लक्ष्य है, दूसरे लक्ष्य में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपके साथ, दूसरे लक्ष्य में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप और लड़कियों को ज़्यादा फोकस किया गया, जो कठिन परिस्थितियों में रह रही हैं उनको शिक्षा की धारा मिला। बिल्कुल, जो जो भी कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको बिल्कुल सुनिश्चित करना कि भाई वो भी एजुकेशन को तक उनका एक्सेस हो सके, वो क्वालिटी एजुकेशन पा सकें, जो बातचीत रखें, उनका स्कूल में रिटेंशन हो सके, उसके एक व्यापक, फिर उनके लिए सबके लिए एक स्ट्रेटजी भी निर्धारित की गई। ये जितने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बनाए गए डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में, उनके लिए स्ट्रेटजी भी तय किए गए कि किस प्रकार हम इन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और वो काफ़ी व्यापक थे, और उसमें इन बातों का भी ध्यान रखा गया कि देश से या किसी स्थान से हम शिक्षा को अलग रूप से मायने रखते हैं, थोड़ी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो भिन्न हो जाते हैं, या उनकी आवश्यकता अलग हो जाती है। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, या मानसिक रूप से थोड़े अक्षमता वाले बच्चे हैं, तो उनकी आवश्यकता और दूसरे बच्चों की आवश्यकता भिन्न होती है, इस प्रकार क्षेत्रीयता में भी भिन्न होती है। इन सब पक्षों को जो प्रविधियां स्थापित की गई डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में, उनमें भी इनकी चर्चा की गई कि किस प्रकार अलग ग्रुप बच्चों के लिए कुछ अलग तरह के प्रविधियों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यही नहीं, जो हम इन प्रविधियों की बात कर रहे हैं, इनको बिना शिक्षकों द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो शिक्षक एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो शिक्षा को के जो लक्ष्य हैं उनके द्वारा ही अचीव किए जाते हैं। एक सबसे बड़े टूल, या कहें एक टूल कहना तो छोटा होगा, कि शिक्षक ही मुख्य रूप से भूमिका में आते हैं, कि जिसको आप हम लोग कहते हैं क्वालिटी, तो क्वालिटी इस्टैब्लिश तो टीचर करेगा। तो टीचर की ट्रेनिंग की भी बात कही गई कि भाई टीचर को इतना इक्विप किया जा सके जो किसी प्रकार की प्रेजुडिस या कोई जो एक भेद है उसको ना रखें, उस वैल्यूज़ के साथ टीचर हों, उनमें उस तरह के प्रोफेशनल कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि उनका, मैं अभी तक तुम लोग सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव्स पे बात किए थे, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है कि किस प्रकार युवा और वयस्क लोगों के सीखने की आवश्यकताओं को उचित शिक्षा और जीवन कौशल कार्यक्रमों द्वारा उन तक पहुँचा जा सके। यानी कि जो उनके कार्यक्रम होंगे वो तय है कि उनकी आवश्यकताएं युवाओं की अलग होती है, बच्चों की अलग होती हैं, और वो आवश्यकता जीवन कौशल कार्यक्रमों की आवश्यकता को भी जन्म देते हैं। इस प्रकार तो जो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो वयस्क हैं और युवा वर्ग, उन सब की आवश्यकताओं को
आवश्यकता के अनुरूप जीवन कौशल कार्यक्रमों को चलाया जाए और इक्विटेबल फॉर्म में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्यक्रम चलाया जाए, इक्विटेबल फॉर्म में उनको प्रसार किया जाए और उनको पहुंच उनकी सुनिश्चित की जा सके। लाइफ स्किल्स प्रोग्राम जैसे इसमें एडोलेसेंस पीरियड की भी बात करिए, जैसे इस कारण देखिए अभी हमारे CBSE स्कूल्स वगैरह में भी लाइफ स्किल्स प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिससे वो अपने जीवन को एनरिच कर सकें। बहुत सारे उसमें कौशल होते हैं, जीवन कौशल एक कोपिंग भी एक जीवन कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत ही आता है जी। जो अगला लक्ष्य वहाँ निर्धारित किया गया उसमें एक है कि 2015 तक वयस्क साक्षरता की जो दर है, वयस्क साक्षरता है मतलब जो वयस्क लोग हैं उनमें साक्षरता का स्तर कम से कम उनमें 50% का सुधार किया जाए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए और सभी वयस्कों के लिए मूल और निरंतर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। और जो महत्वपूर्ण बात कि 50% सुधार की अपेक्षा की गई कि जो वयस्क हैं उनमें भी साक्षरता के दर को 50% तक अचीव कर लिया जाए। डॉक्टर पंकज, मैं आपको यहाँ एक दो मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ। ये जो 50% को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया जी, तो क्या ये जो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है ये इसके लिए कोई रोड मैप भी बता रहा है? हाँ जी हाँ, एक रोड मैप इसने गोल तय किया है सिर्फ नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि जो इन्होंने गोल रखे और सब गोल के लिए अलग अलग तो नहीं रखे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी प्रविधियों को भी सुझाया कि जैसे शिक्षकों की मैंने बात की कि किस प्रकार शिक्षक में कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, कैसे इक्विटेबल सोसाइटी हो, कैसे जेंडर बायसनेस को कम किया जाए, कुछ मूलभूत तरीके से सिखाए क्योंकि पूरी स्ट्रेटजी को तो एक एक देश को तय करना था और ये एक उद्देश्य था, एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम वहीं पे सब कुछ तय नहीं कर सकते। जिस प्रकार से देखते होंगे कि जो विभिन्न यूएन के कन्वेंशंस भी होते हैं तो उसके आधार पे हम अपने देश में एक नया कानून बनाते हैं, तो यह भी जो था एक बड़े प्लेटफॉर्म पर यूई की वकालत की गई, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इसकी वकालत की गई और लोग सारे देश को इसमें बाध्य किया गया कि हर देश अपने 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 देश में, क्योंकि इस एक बार मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस सम्मेलन में 1100 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया और बहुत सारे देश के लोग थे और इस प्रतिभागियों में प्रधानमंत्री भी थे किसी किसी देश के और बहुत सारे लोग थे जो शिक्षाविद थे, छोटे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गैर सरकारी संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन सब के प्रतिनिधि इस संस्था इसमें जुड़े हुए थे और यहाँ इतने बड़े मंच पर और सभी देश में यह लागू भी किया गया। उसके बाद सभी देश ने अपने अपने हिसाब से इसके लिए पॉलिसी भी डिसाइड की क्योंकि हर कोई वहाँ पर एग्री किया था कि भाई हाँ 2015 तक हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना है। तो एक और नया लक्ष्य था, फिर नेक्स्ट जो आता है वो था कि 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लिंग असमानता को समाप्त कर लेना, 2005 तक ही, यानी कि विद्यालय में ही बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लिंग असमानता को समाप्त कर लिया जाएगा और 2015 तक पूरे शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक समानता को प्राप्त कर लेना है और किसी प्रकार के लैंगिक असमानता जो अगर है उसको खत्म कर लेना है। तो ये एक बड़ा लक्ष्य था कि 2005 तक ही किया। अलग बात है कि हम इन लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, ये प्रश्न ऑब्वियस सा बनता है आपके तरफ से भी, चाहे कहीं और भी लगता है कि ऐसा सोचने में हम लोग भी देखते हैं क्या हमने 2015 तो बीत भी गया, क्या लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं? तो इसका अगले के बाद हम लोग इसकी बात करें। नेक्स्ट जो लक्ष्य था वह था कि शिक्षा के गुणवत्ता के हर पहलू में सुधार करना, चाहे वो जैसे अभी तक जो बातें हुई तो हम लोग सिर्फ एक मान लीजिए कि लिंग साक्षरता की बात हो रही थी, ECC की बात हो रही थी और जो पूरे शिक्षा की बात, लेकिन ये यहाँ पे जो अंतिम लक्ष्य रखा गया वो लक्ष्य ये कहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के हर पहलू में सुधार किया जाए और उत्कृष्टता को सुनिश्चित किया जाए। और उत्कृष्टता एक अपने आप में बड़ा शब्द है कि उत्कृष्टता कैसे लाएं, तो उसके लिए भी वहाँ सुझाव दिए गए कि लर्निंग आउटकम्स को डिसाइड किए जाएँ, लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए जाएँ, दैट शुड बी मेजरेबल, मतलब मेजरेबल हों, मेजर कर दिया किए जा सके। तो ये एक अंतिम बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य यहाँ पर रखा गया कि जो सीखने के परिणाम हैं उनको पहले से निर्धारित किए जाए और वह आवश्यक रूप से मापने योग्य हों, परिणाम देने योग्य हों। यह एक महत्वपूर्ण एक भाग के रूप में वहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। अब पुनः मैं उस बात पे आऊँगा कि जो हम लोग अभी चर्चा में करते हैं क्या ये लक्ष्य अचीव कर लिए गए,
तो 2000 जब 15 आया तो इसी को फिर से ये जो विश्व शिक्षा फोरम है, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम है, वो फिर से बैठा। अब वो 2015 में जो इंचान है कोरिया में, वहाँ पर 19 से 22 मई 2015 को यह फिर से विश्व शिक्षा फोरम हुआ, तो फिर से इन सब चीज़ों को रीइंस्टेट किया गया, पुनः फिर ये किए गए। हम ये जो शिक्षा के लक्ष्य होते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि इतने आसानी से नहीं हो, लक्ष्य पूरे नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकते। तो इस इनके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए एक समय लगता है, और ये लक्ष्य दिखते छोटे हैं, होते बहुत बड़े। तो डॉक्टर पंकज कुमार, जैसा आपने बताया कि 6 लक्ष्य इनके निर्धारित हुए, और जितना हम समझ पाए 6 लक्ष्यों में पहला जो लक्ष्य था वो कम्प्रिहेंसिव चाइल्ड केयर, हेल्थ न्यूट्रिशन और उनका हाइजीन और कॉग्निटिव और साइको सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पहले लक्ष्य में बात कर रहे हैं। दूसरे लक्ष्य में वो बात कर रहे हैं कि सभी सारे जो वो सारे बच्चे जो स्कूल जाने के की उम्र में हैं, उन सारे बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाए, और विशेष करके लड़कियों को और मार्जिनलाइज्ड जो बच्चे हैं उनकी, वंचित ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी प्रेजेंस को वहां पर सुनिश्चित किया जा सके। और तीसरे लक्ष्य में आपने बताया कि उनका जो लर्निंग नीड्स हैं उनकी, यंग्स की और एडल्ट्स की, उनके अकॉर्डिंग जी हाँ, उनको लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग दी जाए और उनके एजुकेशन की व्यवस्था उनकी आवश्यकता को जो पूरी करते हों जी, कि युवाओं की आवश्यकता थोड़ी भिन्न होते हैं, जो बच्चों से थोड़े भिन्न होते हैं जी, और वो जीवन को सफल बनाने के लिए जीवन पर कुछ आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए, वो लक्ष्य था जी। और फिर अगला लक्ष्य इन्होंने तय किया कि एडल्ट लिटरेसी, बिल्कुल एडल्ट लिटरेसी को 2015 तक एडल्ट लिटरेसी को प्राप्त कर लिया जाएगा जी। और फिर पांचवा लक्ष्य आपने बताया कि जो गैप है, जेंडर गैप है दो हज़ार पाँच तक हम पूरी तरह से स्कूल में हम खत्म कर लेंगे, लिंग संबंधी जो असमानता है, लैंगिक असमानता है उसको। और ये उन्होंने ऐसा तय किया था कि 2005 तक खत्म करेंगे और 15 तक हम पूरे इक्विटेबल इक्वल फॉर्म में ले आएंगे, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हम उस दिशा में बढ़ गए, बहुत आगे चले गए, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन 100% अभी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आखिरी लक्ष्य जो आपने डिस्कशन किया था, आखिरी लक्ष्य जो हमारा था वो पूरे शिक्षा में उत्कृष्टता की बात कर रहा है, और लर्निंग आउटकम्स पहले से डिसाइड करने की बात कर रहे हैं, और किस प्रकार ये लर्निंग आउटकम्स मेजरेबल हों और उनको हम आसानी से जो अचीव किए जा सके उनको मेजर किया जा सके कि क्या हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं। तो आखिरी जो लक्ष्य है इनका, जिसमें लर्निंग आउटकम को फ्रेम करने की बात कर रहे हैं, उसको अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़ पाए हैं अभी तक? नहीं, इस दिशा में लर्निंग आउटकम यहाँ तो डिसाइड करने की बात करें, हम बहुत जगह आप देखें, हमारे NCERT ने भी लर्निंग आउटकम्स को डिसाइड किया है, लर्निंग आउटकम्स के बेस्ड पे हम काम कर रहे हैं, हर जगह लर्निंग आउटकम्स को बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ी है। चूँकि यस एक कोई मंच पे हम किसी बात को रखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से हम किसी भी मंच पर जो बात को रख रहे हैं उसको लागू करने में किसी देश सभी या सभी विभिन्न देशों की भूमिका बहुत प्रबल होती है, और वो देश भी किसी संबंधित निकाय या संस्था से कार्य कराएगा। हर जगह इस संबंध में कार्य में प्रगति हुई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण यह मंच था जहाँ पर एक बड़े स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व दिया, और बड़े मंच पर जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है इसको स्थापित करने की बात रखी गई। तो आप मुझे एक और बात बताइए, समझाने की कोशिश करिए कि भारत जैसे देश में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इतना जो हमारा विविधतापूर्ण देश है जी, इस इतने बड़े विविधतापूर्ण देश में इस फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का आप ओवरऑल एक संपूर्ण रूप से मूल्यांकन कैसे करते हैं? नहीं, संपूर्ण रूप से मूल्यांकन, देखिए डकार फ्रेमवर्क तो जैसा इसकी आवश्यकता ही पड़ी कि इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जब हम लोग जॉमटीन के चीज़ों को सिर्फ वहाँ पे हमने घोषणा पत्र तो जारी की लेकिन उसको अचीव नहीं कर सके, और जब हम अचीव करने की बात कर रहे हैं कि हम नहीं अचीव कर पाए, तभी हम उस 2000 में एक मंच पर आकर फिर से कमिट कर रहे हैं, एक कमिटमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि नहीं, हमें अब लगता है कि नहीं ये वंचित है, शिक्षा बहुत आवश्यक है, बिना इसके हम काम भी नहीं कर सकते, और एक जो हम चाह रहे हैं एक सौहार्दपूर्ण
समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। तो डकार फ्रेमवर्क ने कम से कम पॉलिसी के लेवल पे बहुत मेजर इम्पैक्ट दिया। हर जगह हर देश में एक पॉलिसी डेवलपमेंट की दिशा में हर देश बढ़ा, हर देश में पॉलिसी बनने लगे जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित जुड़े हुए थे। भारत में भी आप देखिए 2000 के बाद कितने सारे पॉलिसी में डेवलपमेंट आए। आप जब देखें तो 2000 से 2015 तक जो अचीव करने के टारगेट थे उससे पहले कितने कानून बने, वो पॉलिसी संशोधन आया, ये सब उनकी ही एक तरह से एक उपज है। वहीं पर एक बड़ा एक पुश मिला और पूरी तरह से हर शिक्षा के विभाग में एक इस प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की एक पहल, एक दिशा बहुत आगे बढ़ी। तो जो आप कहेंगे कि इसका इम्पैक्ट, तो भारत में एक प्रभावी इम्पैक्ट दिखा डकार सम्मेलन का। ये जो डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन है और जो हमारा 2002 से सर्व शिक्षा अभियान जो हमारा एक मिशन है, एक यूनिवर्सलाइजेशन को अचीव करने का, सार्वभौमिकरण को अचीव करने का, तो आप निश्चित रूप से आप इसका पूरा प्रभाव सर्व शिक्षा अभियान पर भी देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव तो दिखते ही दिखते हैं कि आप देखिए कि जो जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने वहाँ डकार ने निर्धारित किए, हम लोगों ने कहीं और बियॉन्ड जा कर के उनके जो पूरी कोर वैल्यू, क्योंकि ये केवल डकार फ्रेमवर्क की गोल नहीं बता रहा है, वो तो एक उसके पीछे एक वैल्यू को भी रख रहा है और वैल्यू को समझते हुए हम लोगों का सर्व शिक्षा अभियान को लागू भी किया गया। और इस प्रकार देखते हैं कि डकार सम्मेलन एक बहुत महत्वपूर्ण विश्व का मंच रहा जहाँ पे हम लोगों ने इसको स्थापित कर लिया। धन्यवाद डॉक्टर पंकज कुमार। धन्यवाद। तो लर्नर्स, आपने देखा आज कि डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन की क्या महत्व, क्या भूमिका है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में। डॉक्टर पंकज कुमार ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाया, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।